2013 में जो भयावह तस्वीरें पूरे देश ने देखी, आज वो फिर एक बार सबके सामने। आपको बता दूं, उत्तराखंड में सुबह से ही, वहां चमोली जो जिला है, वहां पर एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। उसके बाद पहले तस्वीरें आई कि 50 लोग लापता हैं, अब 150 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। इसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह से ही जो घटना है उसका संज्ञान लिए हुए थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे और अब वो फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको एक बार फिर जानकारी दे दूं कि रैणी गांव में ग्लेशियर आने से मोटर पुल बह जाने के कारण नीति घाटी के 9 से 10 गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। सीएम ने रैणी से आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कहा कि हमारी कोशिश रहेगी जो लोग फंस गए हैं उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि चमोली जिले में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो उसके लिए प्रशासन की पहले ही बता दिया गया था, मतलब प्रशासन को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि राशन की भी कोई कमी नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह से ही जो लगातार ट्वीट कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए, किसी भी तरह की पुरानी वीडियो शेयर ना की जाए, वहां पर स्थिति जो है वो फिलहाल नियंत्रण में है। तो पूरी बात जो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज़ तो उनके लिए कोई राशन की कमी ना हो, खाने की कमी ना हो। और अब जो हमारे बैजी ब्रिज हैं उस तरह की कुछ यहाँ पर भेजेंगे, जल्द से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुँचाई जाए।